नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज स्वर्णीशन। बिहार विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की छवि को दागदार कर दिया। सारी मर्यादाओं को लांघते हुए हमारे माननीयों की करतूत ने एक बार फिर से सदन की गरिमा को तार तार कर दिया। हालांकि इस बार बिहार विधानमंडल में बजट सत्र में कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सदन की गरिमा को चोट पहुंचाई। कई बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विजय सिन्हा की तरफ उंगली उठाई गई। पहले सम्राट चौधरी जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और इतिहास में कभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला था। लेकिन जिस तरीके से मंगलवार को सड़क से लेकर सदन तक बिहार की गरिमा चोटिल हुई, इसकी भी कल्पना शायद हमने और आपने कभी ना की थी। एक तरफ जहां राजद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आक्रोश अपना दिखाया, इतना ही नहीं, जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से उन पर रोक लगाई गई थी, ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि हर संभव प्रयास के तहत उन्हें रोका जा सके। इसके लिए पहले वाटर टैंक मंगवाए गए, उसके भी बात नहीं बनी तो लाठी चार्ज की गई और साथ ही साथ पत्थरबाजी की भी तस्वीर सामने आई। ये तो बात सड़क की हुई, लेकिन उस दिन अगर सदन की कार्यवाही की भी बात की जाए तो कई बार सदन स्थगित हुआ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष के नेता ये चाहते ही नहीं थे कि सदन ठीक से चले। और यही वजह थी कि उस दिन लगातार अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर सदन के बीच में विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, वेल में जाकर विपक्ष के तमाम विधायकों के द्वारा, चाहे हम बात करें राजद के विधायक या फिर माले के विधायक, इन दोनों ही दल के विधायकों के द्वारा कुर्सियां टेबल उठाकर पटकी गई, ये तस्वीर भी सामने आई। और उसके बाद जब भोजनावकाश के बाद दोबारा सदन की शुरुआत हुई, फिर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हद तो तब पार हो गई जब शाम हुई और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन उस वक्त तस्वीर ऐसी सामने आई जो बिहार के इतिहास में कभी भी पहले नहीं हुआ था। दरअसल बिहार विधानसभा अध्यक्ष के केबिन को ही बांध दिया गया, उन्हें 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद पुलिस, साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से तमाम सैनिक बलों को सदन के अंदर भेजा गया और उसके बाद तमाम जो विधायक थे जिन्होंने इस तरह की गुस्ताखी की थी, उन्हें हाथ पकड़कर खींचकर बाहर किया गया। वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा हमारे सामने आई। न्यूज फॉर्मेशन ने भी आपको एक एक तस्वीर दिखाई। करीब 12 विधायक ऐसे थे जिन्हें हाथ पकड़कर सदन के बाहर पुलिस प्रशासन के द्वारा फेंका गया, क्योंकि उनकी करतूत ही कुछ ऐसी थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हालांकि इन सबके बीच महिला विधायक का को भी उसी तरीके से उनके साथ भी बदसलूकी की तस्वीर सामने आई, लेकिन इन सब के बीच कई सारे विधायक चोटिल तो हुए, उन्हें चोट आई, घायल भी हुए। के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खासम खास विधायक यानी कि सतीश दास की तस्वीर मीडिया में काफी ज्यादा सामने आई। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो चोटिल हुए, वो तस्वीर पहले आप देखिए किस प्रकार उन्हें सीढ़ी से पुलिस के द्वारा उठाकर फेंक दिया गया है। दरअसल सतीश दास बुरी तरह से घायल हो गए, यहां तक कि बेहोश भी हो गए और चीखकर चिल्लाकर ये कह रहे थे कि मेरे नेता यानी कि तेजस्वी यादव को बुला दो। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार सतीश दास चोटिल हुए और चीख चीख कर पुकार पुकार कर अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बुला रहे थे।